हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वीट, डिलीशियस और स्पंजी राजभोग की रेसिपी। यह भी एक तरह का रसगुल्ला ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को हम स्टफ़ करके बनाते हैं। आप राजभोग का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। और इसे मैंने बनाया है फटे हुए दूध से या गाय के दूध से ही बना है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। राजभोग के लिए हमें चाहिए छेना। तो 1 लीटर दूध हमारा फट गया था, उसे मैंने फाड़ा नहीं था, खुद ही फट गया था गर्मी के कारण। तो इसका मैंने छेना तैयार कर लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और जो हमारा छेना का टेक्सचर है ना, काफ़ी सॉफ्ट है। तो आइए मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये, और इसके अंदर जो दाने हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि सॉफ्ट वाला दाना है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर या जो कॉर्न स्टार्च होता है ना वो ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग आती है। अब इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है इस तरह से। अगर आप इसे ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो हो सकता है इसके अंदर जो भी घी है ना निकल आए। और हमें इस तरह से हथेली से मिक्स करना है। ध्यान रहे इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से ही। और रसगुल्ला के लिए हमारा डो बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। अब इसमें डाल देते हैं फूड कलर, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। आप फूड कलर डालना नहीं चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फूड कलर डालने के बाद इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से ही। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है ताकि फूड कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर दें। तो चलिए अब चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। रसगुल्ले का जो चाशनी होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, तो इसे हमें पतला ही बनाना है। और इसमें डालेंगे 5 कप पानी। तो चाशनी का रेशियो कुछ इस तरह का होता है। और इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब हमें चाशनी को अच्छे से उबाल लेना है ताकि चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए। तो जब तक हमारा चीनी डिजॉल्व हो रहा है, चाशनी बनकर तैयार हो रहा है, इधर हम गोले बना लेते हैं, मतलब कि रसगुल्ले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें लिया है बादाम और पिस्ता, और थोड़ा सा मैंने डो को डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे हम स्टफ़ करेंगे। तो चलिए एक बॉल ले लेते हैं लेमन साइज का। इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेना है और बीच में दबा देंगे। इसमें हमें स्टफिंग डालने हैं। स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा ही डालें। अगर आप इसमें स्टफिंग ज़्यादा डाल देंगे तो हो सकता है आपका राजभोग फट जाए। और इसे हल्के हाथों से ही इस तरह से गोल कर लेना है, जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। तो एक बॉल हमारा बनकर तैयार हो गया है, बाकी सभी को हमें इसी तरीके से बना लेना है। हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है इस तरह से। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा फैट है। तो थोड़ा सा स्टफिंग और फिल कर देते हैं। आप इसमें चाहो तो मिश्री भी डाल सकते हो। तो ये भी बॉल बनकर हमारा तैयार हो गया है। और जब ये चाशनी में जाएगा ना तो फूल कर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 9 बॉल बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे हमें उबलते हुए चाशनी में ही डालना है। तो चाशनी हमारा यहाँ पे अच्छे से उबल गया है, चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो गया है। तो फ्लेवर के लिए इसमें डाल देते हैं कुटी हुई इलायची के पाउडर और ऑरेंज फूड कलर, जिससे कि जो राजभोग है ना इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। डाल देते हैं बॉल को। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है और बॉल हमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। अगर हम इसे एक साथ डालेंगे तो हो सकता है चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो इसलिए हमें चाशनी का टेम्परेचर कम नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने सभी बॉल को डाल दिया है।
पहले इसे हमें बिना ढके हुए ही पकाना है 5 मिनट के लिए, और जब 5 मिनट हो जाए उसके बाद हम ढक्कन लगा के इसे पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। तो ढक देते हैं और लीड के ऊपर जो छेद है ना इससे थोड़ा सा भाप निकलना चाहिए। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, रसगुल्ले को हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। और ये देख सकते हैं रसगुल्ला अपने साइज का डबल हो गया है। एक बार इसे पलट लेते हैं ताकि ऊपर वाला साइड भी अच्छे से पक जाए, कच्चा कहीं से भी ना रहे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे इसे मैंने बनाया है फटे हुए दूध से, आप ताज़ा दूध से भी बना सकते हैं। वैसे जो दूध हमारा था ना ताज़ा ही था, पर गर्मी के कारण वह फट गया। और फिर से इसे हमें कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेना है। तो अब हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह पक गया है। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए इसी चाशनी में छोड़ देंगे। और 5 से 6 घंटे बाद ही इसे हमें निकालना है चाशनी से। तो 6 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। मैंने चाशनी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया था उसे छानकर, जिससे कि चाशनी में मिठास बना रहे, क्योंकि हमने चीनी कम डाला था और पानी ज़्यादा, तो हमारा चाशनी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, तो इसीलिए मैंने चाशनी को फिर से पका लिया था। और पकाने के बाद चाशनी को हमें ठंडा कर लेना है। और आप देखिए रसगुल्ले का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल भी पिचका नहीं है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। इसके लिए हमें कोई भी ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। इसका साइज बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और पिचकेगा भी नहीं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, ये रस निचोड़ने के बाद भी यह फूल जा रहा है। ऊपर का आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो एक बार बनाना बनता है, इसे मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध से ही बनाया है। 1 लीटर दूध में यह 8 से 9 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। वैसे एक रसगुल्ला हमारा फट गया था तो उसे मैंने बाहर निकाल लिया है, तो अब हमारे पास टोटल 8 रसगुल्ले ही हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, आप इसे 5 से 6 दिन के लिए सर्व करें। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।